दोस्तों इसको आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, या इनसाइडर कुछ बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं सेट से होती हैं और सेट से लीक हो जाती हैं, आप वो खबरें समझिए, या फिर इसको आप प्रेडिक्शन समझिए, आप जो समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। बट एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस समय जो अपडेट आ रही है वो मनी ब्रीफ केस को लेकर आ रही है। देखिए 2 साल से तो मनी ब्रीफ केस गायब ही था, इस साल वापस से आ रहा है। तो फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भाई कुछ 2 कंटेस्टेंट्स के नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं कि ये लोग ब्रीफ केस उठा लेंगे। तो आखिर कौन से 2 नाम है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। आपको बता रहे दोस्तों कि जिस तरीके से ये अपडेट आ रही है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही है ना, उसके बाद बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस बार बहुत समय बाद यार ब्रीफ केस वाला ये अमाउंट आया है, 10 लाख रुपए का ब्रीफ केस इस बार रखा जाएगा बिग बॉस द्वारा, ऐसी अपडेट सामने आ रही है। देखिए पिछले सीजन में तो ब्रीफ केस वाला सीन हुआ ही नहीं, ऐसे ही बाहर निकाल दिए गए। इवन बिग बॉस ओटीटी में भी ब्रीफ केस वाली बात नहीं हुई, इस बार ब्रीफ केस रखने वाली बात चल रही है कि होगा। टॉप 5 अगर देखें तो मुनव्वर, अभिषेक, अंकिता, मनारा, अरुण माशेट्टी, ये 5 नाम है, जिसमें से 2 नाम ब्रीफ केस के लिए बताए जा रहे हैं कि भाई इन 2 लोगों में से कोई भी ब्रीफ केस उठा सकता है, पक्की बात, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं फिलहाल तो। और 2 नाम है, एक नाम अभिषेक का है, एक नाम अरुण माशेट्टी का है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई अरुण या फिर अभिषेक इन दोनों में से कोई भी ब्रीफ केस जरूर उठाएगा, बिकॉज मुनव्वर को भरोसा है कि वो ट्रॉफी ले जाएंगे। अंकिता को भी कहीं ना कहीं उतना पैसों की तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं, किल्लत नहीं है, अंकिता को लग रहा है कि वो विनर बन सकती हैं तो वो उसके लिए जाएंगी। मनारा ने अपनी जर्नी वीडियो देखी है और मनारा नहीं चाहेंगी कि वो पैसे लेके बाहर निकले, कहीं ना कहीं अपने इमेज वाली, इमेज कॉन्शियस हो जाएंगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई अभिषेक या अरुण में से कोई पैसे का ब्रीफ केस लेके, पैसे का बैग लेके बाहर निकलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, धन्यवाद।